सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की एजुकेशन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में। क्वेश्चन नंबर 11, पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन, बोस्टन, भारत, लिप्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन जो हमारे को दिया हुआ है लिप्सिंग में। अध्ययन की वह शाखा जिसमें मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब किस तरह के उसके विचार हैं किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के, कैसे वो सोचता है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी है, कैसे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कैसे उसका एटीट्यूड है, ये सारे परसेप्शन कैसी है, ये सारी साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है। से संबंधित पक्षों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। जो हमारा साइकोलॉजी है उसका हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट है यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के लिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए। तो इसका जो यूज किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि बच्चे को किस प्रकार से हमने एजुकेशन देनी है, बच्चे की जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, इस तरह की लर्निंग में इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, शिक्षा का प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित, यानी कि जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, ये जो परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग टीचर को ही सबसे ऊपर माना जाता था, उसी के अकॉर्डिंग ही सभी को काम करना पड़ता था, जो एजुकेशन दी जाती थी वो शिक्षक के अकॉर्डिंग दी जाती थी, से डैश होना चाहिए। जो एजुकेशन है वो टीचर से सेंट्रिक ना होकर वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ये हमारी अप्रोच की जो नया कंसेप्ट है ये कहता है। पर अपन जो मैनेजमेंट है क्या उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? नहीं जी, विद्यार्थी केंद्रित, हाँ जी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित के हमारे बच्चा जो जिसको हम एजुकेशन दे रहे हैं उसका लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, उसका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। विद्यालय केंद्रित जी नहीं, जरूरी नहीं है जो हमारा एजुकेशन का जो हमारा स्कूल है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए, अभिभावक जो उसके चाहने वाले हैं क्या उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए, जी नहीं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर बनता है विद्यार्थी केंद्रित। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी, जो पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के किस प्रकार से साइकोलॉजी को चेक करना है इसकी जो प्रयोगशाला थी, जो लेबोरेटरी थी, वो किसने स्थापित की थी? कैटल ने, वोंटन ने, गाल्टन ने, वॉटसन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है वुंट ने, सबसे प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि शिक्षिका चाहे, जो टीचर है वो चाहे कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, कि जो बच्चे हैं वो स्किल सीख लें, स्किल को इस तरह से डेवलप कर लें ताकि वो खुद ही क्या कर सके, डिसीजन ले सकें, खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो वो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा, मतलब ऐसे कौन से क्रियाकलाप में बच्चों को लगाना चाहेगी? ड्रिल व अभ्यास के बार बार वो काम करते रहें और उस चीज में परफेक्शन लेके आए। पूछना के बच्चे हैं, पूछते रहें, तर्क करते रहें, बातचीत करते रहें, चर्चाएं करते रहें, निर्णय लें, खुद डिसीजन लें। डिसीजन लेने की अगर पावर आ जाएगी तो डिसीजन कब लिया जाता है? डिसीजन हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम के विभिन्न तरह के हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं और अल्टरनेटिव में से हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना है, तो हमारे दिमाग, तो हमारे जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है जो मेंटल लेवल की है उसको डेवलप करना ही एक टीचर का मेन रोल होना चाहिए। इस प्रकार के जो बहुविकल पर्सनों का एक अच्छे लेवल पर तैयार करना, प्रपत्र तैयार करना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एयर तैयार करने से ही बच्चे को जो मतलब समस्याएं हैं उनको सुधार करने के लिए एक डेवलप स्किल डेवलपमेंट हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको प्रत्यय स्मरण करना के बार बार समझते रहो, रटते रहो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे जब पूछेंगे, तर्क करेंगे और निर्णय लेंगे तब बच्चों के अंदर समस्या जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने की स्किल डेवलप होगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, कि बालक को केंद्र मान के शिक्षा देने का अर्थ से आप क्या समझते हैं?
जो हमने पहले से निर्धारित कर रखे है सूचना, उसका अनुसरण करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाना कि जो पहले से हमने डेवलप कर रखी है इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों को देना और बच्चों को सक्षम बनाना कि वो बच्चे उस बात को समझ सकें, तो यहाँ पर ये बात करेक्ट नहीं बैठती है। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक आगे आगे होना कि टीचर को बोलना कि भाई कुछ भी हो तुम आगे आगे रहना सारी बातें सीख सकें, तो ये भी करेक्ट नहीं बनता भाई। नेक्स्ट है जी, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, अच्छे जी ऑर्डर देना, तो ऑर्डर देना तो बिल्कुल ही बात नहीं है, बच्चों के साथ मिलकर आपने काम करना पड़ेगा, ऑर्डर देने की तो बात ही नहीं है एजुकेशन के सिस्टम में, देना कि क्या किया जाना चाहिए जरूरी नहीं है जी। नेक्स्ट है बच्चों के अनुभवों, हाँ जी, तो बच्चों का जो एक्सपीरियंस है और जो उसकी आवाज है उसको प्रमुखता देना, और बच्चों की जो नीड्स है, जो बच्चों का एजुकेशन लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो उनका एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस है और वो क्या चाहते हैं, इस प्रकार से जोड़ना एजुकेशन को, तो यही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, यानी कि जो साइकोलॉजी है उसने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का किया, फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है, इस प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है, यह कथन किसने लिखा था? टीचनर ने, वोंट का, या फिर वुडवर्थ का, या मैकडूगल का? तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है वुडवर्थ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, जो बालकों को केंद्र बना के शिक्षा दी जाती है उसका मुख्य अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, हो सकता है जी नैतिक, ताकि देश के जो मॉरल एजुकेशन है, देश के अंदर किस प्रकार से अपने आप को समाज के साथ जोड़ना है इस तरह से बच्चों को सिखाना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन व अनुकरण करने के लिए कहना कि भाई जो टीचर है उसका आचरण, उसका अनुभव, उसको ऑब्जर्व करो और वही काम करो, जरूरी नहीं ऐसी, बच्चों की अभिव्यक्ति व उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये करेक्ट आंसर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर है इसका, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। नहीं जी, अगर आप बच्चों को पूर्ण तरह से स्वतंत्रता दे दोगे फिर उनको एजुकेशन सीखने का फायदा क्या है, क्योंकि आपको उसको एक ऐसी शेप में लेके आना है ताकि वो समाज में अपनी अहम रोल प्ले कर सके। तो बच्चों को अभिव्यक्ति के किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं और किस तरह से वह एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर बन जाता है हमारा क्वेश्चन का सी आंसर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, जो साइकोलॉजी है उसका एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित जरूरी नहीं है जी, ये पुरानी विचारधारा है कि जहां पर हम क्या किया जाता था कि बच्चे को सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, सब्जेक्ट को मद्देनजर रख के ही उसको एजुकेशन दी जाती थी, ये पुरानी कंसेप्ट है। शिक्षा केंद्रित जी नहीं, क्रिया केंद्रित, क्रिया केंद्रित पार्ट है, किसका पार्ट है? ये बाल केंद्रित, जो बालक है उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे उसमें विषय केंद्रित की बात हो, चाहे शिक्षा केंद्रित की बात आए, चाहे क्रिया केंद्रित की बात आए, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर ही सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो हमारे को सबसे बेस्ट जो आंसर होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। कई बार हमारे सामने ए बी सी डी चार के चार इस प्रकार के जो आंसर आ जाते हैं कि हम किसी को भी करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन हमारे को सबसे बेस्ट जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर को, तो हमें उसी को सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है कि कौन सा क्षेत्र है बाल मनोविज्ञान का? केवल शिशु अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना कि बच्चा जो शिशु अवस्था के अंदर होता है, शिशु अवस्था में होता है, क्या उन्हीं का अध्ययन करना? जी नहीं, केवल गर्भावस्था, क्या केवल गर्भ में होता है उस टाइम की अवस्था के अंदर उसका अध्ययन करना है? जी नहीं, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं, बालकों की अवस्था का नहीं, अवस्था विशेषताओं का अध्ययन जी नहीं, गर्भावस्था ये जब से जन्म नहीं हुआ है और किशोर अवस्था में जब तक होता है, तो इस तरह से उसको हमने बाल साइकोलॉजी के क्षेत्र में इंक्लूड किया है। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए,
और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आगे फ्यूचर में लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।